नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शौकीन पतंगबाज में। हेलो, नमस्कार भैया। नमस्कार, कैसे हो? तो आज के जाने का इरादा दिख रहा है आपका, एकदम पूरे तैयार हो रखे एकदम बढ़िया से। हाँ, वैसे काम के चक्कर में तैयार होना भूल जाते हैं। अच्छा, तो आज के जा रहे थे तो आज काफी अच्छा ड्रेसअप कर रखा है भैया ने, और साथ में कुछ भैया अपना एक अमेजिंग सा कलेक्शन लेके आए हैं। ये कुछ एक मैंने चरखिया बनाई थी, नौतार चार रील पे बनाई है। ओके, तो मैं आपको इसका कुछ एक जो क्वालिटी है वो दिखा देता हूँ। तो ये भैया आपका ही ब्लॉक रहने वाला है? जी बिल्कुल। ओके, अभी और भी काफ़ी सारे ब्लॉक हैं, पर रिसेंटली अभी बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया है ब्लॉक्स ने, तो मैंने कहा एक बार ये शेयर कर देते हैं। आप इसको थोड़ा सा जूम इन करके लाएं, ये देखिए क्वालिटी। और इस पे ये छः रील की चरखी है और इस पे चार रील आया हुआ है नौतार का, 4000 मीटर। हाँ, चार गट्टे। ये जो नौतार है वो 1000 मीटर का होता है, तो ये 4000 मीटर में ऑलमोस्ट भर चुकी है, तो इसलिए हमने इसे 5 या 6 रील नहीं करा है ना, ये 4000 बार है। आप इसमें क्वालिटी देख सकते हैं, और ये आपको इसमें खास बात बताऊँगा कि मेरे पास ये इतनी डिमांड है कि मैं, आप ये देखो शायद पहला वीडियो ही बन पा रहा है, ये लगातार दुकानदारों की डिमांड पे जाए जा रहा है आगे, और मेरे पास बहुत कम बचता है। नौतार अपने यहाँ तो कम ही यूज होता है यहाँ पे? नहीं सर, होता है, राजस्थान में भी होता है, गुजरात चेन्नई में भी होता है। एक कमेंट भी था कि मतलब गौरव भैया 1-2-3 यूज करने के लिए कहते हैं, नौतार का भी दिखाते हैं। हाँ, तो मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि 1-2-3 देखो 12 महीने ग्राउंड में लड़ रही है और नो डाउट बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। पर क्या होता है कि सीजन पे आजकल कुछ लोग प्लास्टिक उड़ाने लगे हैं, हम इतना मना करते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, और फिर भी लोग प्लास्टिक उड़ाते हैं। तो प्लास्टिक को काटने के लिए आपको 8400 C28 या नौतार का यूज़ करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, जो हमारी पतंग की साइज़ है वो 1-2 फुट से ऊपर है, ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रॉन्ग पे जाना चाहिए। और इसकी खासियत ये है कि ये आपको शय में और जो खैच में दोनों में काम देगी एकदम। देखो जैसे वायर मांझा होता है ना, वैसे बना हुआ है। आपको अगर बैकग्राउंड अगर चाहिए तो बता दीजिए, एकदम बराबर दिख रहा है। तो ये देखिए, तो ये काम करने का तरीका होता है जो इस कॉटन धागे को, अब ये देखिए आगे आप देखिए, ये ऐसा धागा होता है, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से कोटिंग करके और अच्छी तरीके से पॉलिश करके, ये है कि ना तो इसमें आपको कांटा मिलेगा और ना आपको ऐसा लगेगा कि एकदम मखमल की तरह सॉफ्ट पड़ा है। ये वायर मांझे की तरह होता है, और आप इसको आराम से लड़ाइए, चाहे छोटा पे लड़ाइए चाहे बड़ा पे लड़ाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और बहुत सारे जो मेरे यूज़र हैं ना, उनको चरखी मैं पास से दिखाता हूँ, उनको चरखी देख के समझ आ जाएगा कि कितनी मेहनत करी हमने इस। और भाई इसकी स्ट्रेंथ जो रहती है 1-2-3 से कितनी, थोड़ी सी डबल होती है? डबल होती है एग्जैक्टली, तो हमने कभी नाप के देखा नहीं है और ना कभी वजन उठा के देखा है, पर हाँ ये है कि तावा, 1.5 तावा, 2 तावा ये आराम से हैंडल कर लेती है। जो बड़ी पतंगी उड़ाना पसंद, बड़ी पतंग के लिए पोनी से स्टार्ट करें और जहाँ तक आपकी इच्छा। और जहाँ पे लोग है ना सद्दा नहीं लगाते ना पीछे, बैक जो अपन मांझे के बाद 1-2-3 के बाद लगाते, तो वहाँ पे फिर ये लोग ये स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ होती है, तो ये उतर गई पैर के नीचे आ गई तो भी ये टूट के नहीं जाती है, तो इसलिए ये प्रेफर करते हैं। आपको इसमें ये देखिए, आज ये मैंने 5 चरखे भेजे भी हैं, अलग अलग जगह गए थे और 3 एक ही भाई को गए थे, तो ये देखिए कितना बेहतरीन काम है। कलर भी देख सकते हैं और क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो हमें आपको लगातार 12 महीने प्रोवाइड करनी होती है, बस स्टॉक इतना नहीं हो पाता होल्ड की वीडियो बार बार बनाई जाए। 1-2-3 में तो क्या है कि रोज़ नए कारीगर आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। इसमें अब बहुत सारे कारीगर काम कर रहे हैं नौतार में, पर फिर भी जो स्पेशलिटी इसमें है आप उसको कहीं पे भी आप जज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो काम है ना, चेन्नई में टूर्नामेंट भी जीत चुका है, 3 से 4 टूर्नामेंट हम 2015-16 के उसमें जीते थे इस दौर से। फिर उसके बाद ये हो गया था कि चेन्नई में कोई इंसिडेंट हो गया था, तो ये पतंगबाजी बैन हो गई थी। और भैया इस 4 रील के सेगमेंट की प्राइस क्या रहने वाली है? ये थोड़ा सा प्राइस को ना करते हुए, क्योंकि शॉपकीपर्स भी काफ़ी है, मंगाते सेगमेंट हैं। सेगमेंट ये बता देता हूँ कि 250 से 300 रुपये रील का रहता है। अच्छा ठीक है, नौतार की जो डोर होती है वो 250 से 300 रुपये आपका इस बीच में प्राइस रहता है। वो भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी जो डोर है वो थोड़ी सी कॉस्टली है, और 1000 मीटर है, बशर्ते आप जैसे 1-2-3 पे आते हैं तो 900 मीटर होती है, तो ये 1000 मीटर है। तो जहाँ पे आपको 2700 मीटर मिलता है 3 रील में, इसका 3000 मीटर मिलता है, तो ये 3 रील का सेगमेंट बता रहा हूँ। तो आपकी डोर भी जो लेंथ है वो ज़्यादा होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक आध कलर ये देखिए साइड से भी दिखा देता हूँ, लाइट कलर है ये, रेड कलर भी है। रेड कलर थोड़े हम कम प्रिफर कराते हैं, क्योंकि जो अभी मौसम है वो इसको
सर्दियों के मौसम में थोड़ा सा धूप में लड़ाए तो ज़्यादा हमें लगता है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो आप ये कलर्स देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं कितनी वेल मेंटेन क्वालिटी है। और एक मैं लाइट कलर और खोलने वाला था, तो ये एक छोटा सा हमने सेगमेंट ये देखिए कितना बेहतरीन इंग्लिश कलर है और क्वालिटी एकदम प्रीमियम। अरे सारे चार रील मिलेंगे हमारे को इन छह रील, ये छह इसमें हमारा चार और छह का सेगमेंट, चार और छह का सेगमेंट, हाँ, बिल्कुल। और कुछ एक जैसे जिनको नौ रील भी चाहिए तो नौ रील का भी सेगमेंट है हमारे पास इसमें। और अराउंड भैया सर कितना स्टॉक अवेलेबल है अभी करंट में? मेरे पास अभी 600 से 700 चरखियां हैं, 600 से 700 चरखियां हैं, तो आराम से कोई भी आराम से अपना ऑर्डर दे सकता है। इतना भी आराम नहीं कि आप 15 दिसंबर बाद ही आ रहे, क्योंकि अभी शॉपकीपर भी आ रहे हैं तो किसी को 20 जा रही है, किसी को 30 जा रही है। अभी मैंने एक ऑर्डर वीडियो पोस्ट होने के बाद में 2 से 3 दिन में अगर ऑर्डर लिखा था, आराम से कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो मांझे में इतनी हड़बड़ाहट नहीं है, क्योंकि पतंग आप देखते जा रहे हैं कि अब नवंबर खत्म हो रहा है, तो ये आगे पतंग थोड़ा स्लो हो गया है और मौसम के कारण पतंग इतनी बन भी नहीं पा रही। मांझे में इतना स्टॉक है कि हम 15-20 दिसंबर तक सर्वाइव कर सकते हैं, पर जिसको पुराना चाहिए वो थोड़ा सा जल्दी आ जाए। तो भैया आप इसमें से देख सकते हैं कितने बेहतरीन स्टॉक दिखाया भैया ने नौतार के अंदर। ये भी है, क्या होता है कि कस्टमर की डिमांड बहुत है कि आप 1, 2, 3, 6 तार पे हमारा ध्यान नहीं रखते, तो उनके लिए फिर ये वीडियो बनाना पड़ा कि बाकी हमारे जो कस्टमर्स हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड उनको नौ तार प्रेफर करते हैं, तो उधर तक ही हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि उनको भी बेहतरीन क्वालिटी मिले और रिजल्ट ओरिएंटेड मिले। और नौ तार पे काफ़ी थोड़ा शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, तो क्वालिटी जो हमने दी काफ़ी अच्छी है भैया ने जो बताई है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी आई थिंक बता दिया। हाँ भैया, अभी आप इसकी फ़ोटो खींचिए और जिसको भी फोटो आप शेयर करें ना उसे ये बोलना कि एक बार जूम कर ले इनको, जूम करते ही क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा बंदे को कि यार क्या क्वालिटी है। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं, क्वालिटी देखने में काफ़ी अच्छा लगा और जल्दी हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो कि आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। चलो थैंक यू भैया, थैंक यू, ध्यान नहीं दे रहा मैं मोबाइल उठा लिया। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ये जो वीडियोस हैं वो जितनी जल्दी आप तक पहुंचेंगे उतना ही आपको प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट है और जब भी आप कॉल करें तो थोड़ा सा टाइम को देखें, रात को 11 बजे बाद ना करें, थोड़ा सोने का टाइम भी हो जाता है, और सुबह आप 8 बजे बाद कॉल कर सकते हैं या वीडियो कॉल कर सकते हैं 10-11 बजे, मैं आपको शॉप पर वीडियो कॉल के थ्रू